नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में जानकारी दूंगा। ये होता क्या है, इसके कॉजेस क्या होते हैं और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी आप यूज़ करके इसे धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं, ये सब जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो आखिर तक ये वीडियो देखते रहिएगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लगभग 22 लाख मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स इस चैनल में हो रहे हैं और दोस्त हम इस चैनल में हो रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मसल्स, हमारी मांसपेशियाँ हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती हैं। बाहरी एक आवरण होती हैं जस्ट स्किन के नीचे, हमारी त्वचा के नीचे और हमारे शरीर के अंदरूनी अंग को ये प्रोटेक्ट करती हैं। उसके साथ साथ ये हमारे मूवमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हम हाथ को ऐसे ले जाते हैं तो मसल्स ही है जो हाथ को ऐसे ले जाने में मदद करती हैं या ऐसे करने में मदद करती हैं, या पैरों को या हमारे हर जगह के जॉइंट्स को मूव कराने के लिए मसल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सही तरह से खड़े रह पाते हैं तो वो भी हमारी मांसपेशियों के कारण है, और हम अगर सही तरीके से स्टेबल होकर अगर चल पाते हैं तो वो भी हमारी मांसपेशियों के कारण है। दोस्तों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक ग्रुप ऑफ डिसीज़ है, अलग अलग बीमारियों का एक समूह है, और ऐसी बीमारियां जो इनहेरेंट होती हैं, जो जेनेटिक होती हैं, जो आपके मम्मी पापा से आपको मिलती हैं। आप बोलेंगे कि मेरे मम्मी पापा को तो नहीं है और मुझे है। ऐसा होता है कि कुछ जीन्स जो है वो दबे से रहते हैं, आपके मम्मी पापा के जो जीन्स से अंदर कुछ दबे से जीन्स रहते हैं, और जब आप होते हैं तो वो जीन्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा उभर जाते हैं और जिसके कारण कुछ बीमारियां होती हैं, और उन्हीं में से ये बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और ये ग्रुप ऑफ डिसीज़ है, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के टाइप होते हैं। इसमें आपकी मांसपेशियां अपना स्ट्रेंथ खो देती हैं और बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण वो अपना फंक्शन भी लॉस कर देती हैं। जो उनका काम है, जो कि मैंने बताया, आपके शरीर को स्टेबल रखना, आपके जॉइंट्स को चलाते रहना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण धीरे धीरे आपके जॉइंट्स का मूवमेंट कम हो जाता है, आपको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, चलने में थरथराहट होती है, और जब आप चलते हैं तो आप स्टेबल नहीं रहते, आप गिर जाते हैं। धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती है और मसल की स्ट्रेंथ घटती ही जाती है, और फिर उसके बाद आप व्हील चेयर में आ जाते हैं, आपके मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। अगर ये बीमारी आपके लंग्स के मसल्स तक पहुंच जाती है तो आपको सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है, और अगर ये बीमारी आपके गले के मसल्स में भी हो जाती है तो आपको किसी भी चीज़ को लेने में भी तकलीफ़ होती है। एक प्रोटीन होता है डिस्ट्रॉफिन नाम का, उस प्रोटीन की कमी के कारण, मसल प्रोटीन है और उस प्रोटीन की कमी के कारण हमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, और जो कि जेनेटिक होता है, मतलब अनुवांशिक होता है। तो ये बीमारी का जो कॉज है वो है जेनेटिक, और एक प्रोटीन है डिस्ट्रॉफिन, उसकी कमी के कारण हमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर ये चाइल्डहुड में, मतलब 4-5 साल से ही इसके लक्षण हल्के हल्के दिखने लगते हैं, तो ज़्यादातर ये मेल को होता है, फीमेल्स में ये कम देखने को मिलता है। दोस्तों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो सबसे कॉमन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो है ड्यूचेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये लगभग 50% केस में होती है, और जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि लगभग ये हैंड और गर्दन तक और नीचे पैरों में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। और दूसरा जो टाइप है वो है एमरे ड्रिफ्यूज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये मोस्टली हैंड्स में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। तीसरा जो टाइप है वो है लिम्ब ग्रिडल टाइप, और जिसमें हैंड और पैर में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। चौथा जो है वो फेशियल और स्कैपुला टाइप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें आपके हैंड और फेस में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। और पांचवा जो टाइप है वो है ऑक्युलो फेरेंजियल टाइप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें आपके
आंखों के आसपास भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता क्या है, इसके कॉजेस क्या है और इसके टाइप क्या क्या होते हैं। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो दोस्तों, इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जो एलोपैथी में ठीक नहीं होती और धीरे धीरे पेशेंट जो है वो कमज़ोर होता जाता है और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीने का जो टाइम होता है वो कम होते जाता है। लेकिन मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स को होम्योपैथिक मेडिसिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में दी है, कुछ क्लिनिक में और बहुत सारे पेशेंट्स को ऑनलाइन में, और उसको देने के बाद मुझे एक्सपीरियंस समझ में आया है कि कुछ मेडिसिन्स, खासकर दो मेडिसिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आप जो भी एलोपैथिक मेडिसिन या जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ आप ये दो मेडिसिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, उसे आप यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और लगभग 30-40% चांसेस है कि अगर आप ये मेडिसिन साल भर, 1.5 साल या 2 साल तक लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाए। इसके साथ आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ऐसा देखा है कि आप थोड़ा सा जितना हो सके आपसे उतना फिज़िकल वर्क करिए, अगर चल सके तो हल्का चलिए, अगर नहीं चल सके तो हाथों से बॉल दबाइए या कुछ फिज़िकल वर्क ज़रूर करते रहिए या करने की कोशिश करते रहिए, जिससे धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और रेगुलर मालिश ज़रूर करते रहिए जिससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो। तो चलिए अब होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है जलसीमियम। दोस्तों, जलसीमियम जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहला, जब एक्सट्रीमिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर पहला ही सेंटेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से रिलेटेड है। तो अगर आपकी मसल्स पूरी तरीके से वीक हो गई हो, कमज़ोर हो गई हो, आप चलने फिरने में असमर्थ हो गए हों और आप व्हीलचेयर तक आ गए हों, तब भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जलसीमियम। लेकिन अगर अभी ये शुरुआत है और आपको हल्का फुल्का मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है, नमनेस की प्रॉब्लम हो रही है अभी शुरुआती दौर पर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जलसीमियम और आपको शुरुआत से ही इसे कंटिन्यूसली यूज़ करते रहना चाहिए जिससे आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को धीरे धीरे ठीक करती है, मसल वीकनेस को धीरे धीरे ठीक करती है और मैंने ये देखा है कि ये प्रोटीन को भी इम्प्रूव करती है आपके बॉडी में और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। तो जेल्सीमियम लोअर डेसिमल डाइल्यूशंस में, मतलब आप जेल्सीमियम 3x डाइल्यूशन में यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर वो ना मिले तो जेल्सीमियम मदर टिंचर आप लीजिए। तो सबसे पहले जेल्सीमियम 3x मैं इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं जेल्सीमियम 3x अगर आपको आसपास नहीं मिलती होगी, थोड़ा सा रेयर है। तो जेल्सीमियम 3x डाइल्यूशन आप यूज़ करें, 10 ml पानी में लगभग 15-20 बूंद डालिए आप जेल्सीमियम 3x डाइल्यूशन को और उसे आप पीजिए दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को। ये मेडिसिन आप लगातार लीजिए, 15 दिन में आपको थोड़ा भी आराम लगे, अगर नहीं भी लगता तो आप इसे कंटिन्यू रखें और कम से कम 1.5 से 2 महीने कंटिन्यू रखें, और इतने में अगर आपको थोड़ा आराम लगने लगता है तो मेडिसिन फिर आप हमेशा कंटिन्यू करिए जब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती। तो जेल्सीमियम 3x आप यूज़ करिए, अगर वो ना मिले तो आप जेल्सीमियम मदर टिंचर यूज़ करें। जेल्सीमियम मदर टिंचर आसानी से मिल जाती है, शॉबे कंपनी की लीजिएगा, इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं पर्टिकुलर कंपनी बता देता हूँ जिसको मैंने दिया है और रिजल्ट्स मिले, तो शॉबे कंपनी की लीजिएगा, WSI की, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जेल्सीमियम मदर टिंचर लगभग आप 10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, इसे भी 3 बार लेना है, इसे 10 बूंद लेना है। अगर 3x मिलती है तो 3x आपको लगभग 15-20 बूंद लेना है। सबसे पहले कोशिश करिएगा कि 3x मिले, अगर नहीं मिलती है तो जेल्सीमियम मदर टिंचर का उपयोग करिए। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम। दोस्तों, कॉस्टिकम भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और ज़्यादातर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लोकलाइज्ड होता है, हाथ में होता है या पैरों में होता है, या हाथ पैरों में होता है, पूरे शरीर में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं होता। और लोकलाइज्ड मसल वीकनेस के लिए कॉस्टिकम सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। तो कॉस्टिकम को आप थोड़ी सी हायर पोटेंसी में लीजिए, कॉस्टिकम आप 200 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में यूज़ करें, 2 बूंद पिएं और एक एक दिन छोड़ के आप लीजिए। जैसे आज पियेंगे 2 बूंद, सुबह सुबह खाली पेट लीजिएगा, डायरेक्टली टंग में 2 बूंद टपकाना है, बस आपको इतना ही करना है।
खाली पेट लेना है, सुबह सुबह लेना है और एक एक दिन छोड़ के आपको लेना है और जैल्सीनियम रेगुलर आपको यूज करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दीजिए तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दीजिए तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बदल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियोज लाते रहता हूँ तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर के बटन दीजिए, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज जरूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।